ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96। 96 में देखिए कहता है द नेम ब्यूटायरिक एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो ब्यूटायरिक एसिड है ये किससे डिराइव किया गया है, और जिसे डिराइव किया गया है उसका लैटिन वर्ड में नाम क्या है। बच्चों ये जो ब्यूटायरिक एसिड है इसका नाम होता है बेसिकली ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड चार कार्बन वाला जो है एसिड है ये, इसको हम लोग ब्यूटानोइक एसिड बोलते हैं। और ये जो है ब्यूटायरियम, ठीक है, पता है कि ये जिस कंपाउंड से लिया गया है उसका लैटिन वर्ड में नाम क्या है, तो उसका नाम होता है बच्चों ब्यूटायरियम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, ये गलत लिखा हुआ है। एडिपिक एसिड, एडिपिक बच्चों ये COH, और यहाँ पर जब हम CH2 का होल 4 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जब हम COH ले लेते हैं इस तरह से, इसको डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं, हेक्सेन डाईओइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है विच एसिड वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड एंट। तो रेड एंट से बच्चों फॉर्मिक एसिड मिलता है। रेड एंट से क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है कि सी एटम ऑफ COH, तो इस तरह से हमने RCOOH बना लिया, ठीक है, इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कंपाउंड। अब दूसरी तरफ जो है आप इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, हमने कीटोन ले लिया। अब जैसे देखिए ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। बच्चों यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और चूंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर होगा तो इसका मतलब इस COH का कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और सेम स्थिति देखिए यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कार्बोनिल वाला होगा। सवाल उठता है क्यों, देखिए अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिस कार्बोनिल में सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, किसके, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। ठीक है, जबकि इस RCOH में बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और वो भी रेजोनेंस, किसे है, रेजोनेंस है, प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है, और इधर से देखिए क्या लग रहा है बच्चों, प्लस का आई इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए प्लस का आई इफेक्ट इधर से लग रहा है और प्लस का आई इफेक्ट इधर से लग रहा है। कहने का मतलब देने वाले ग्रुप तो यहाँ पर भी लगे हुए, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है और यहाँ पर जो है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो आप जानते हो कि रेजोनेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कहने का मतलब वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का पूरा डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जितना तेज़ी जाएगा उतना तेज़ी से इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं जाता है, और चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसीलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। इसका मतलब यह है कि ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा, तो RCOH का जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल होगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है इन COH द कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल। देखिए सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। अब कहता है कि यहाँ पर देखिए जवाब तो मिशन सही जवाब देखे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर देखिए 100 के क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन COH कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखिए यहाँ इन COH इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ना। अब कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी मैंने बताया
कि यहाँ पर जो COH में जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस से जब इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका जो है 100 का आंसर ए हो जाएगा। एक मिनट, अब देखिए बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। कहता है विच इज द बेस्ट मेथड टू कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए बच्चों बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन के ऊपर जो है NO2 और COH है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को सबसे पहले लगा लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप को सबसे पहले लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा जो है हमें रहेगा नाइट्रेटिंग एजेंट लगाना, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए बच्चों HNO3 प्लस H2SO4 दिया हुआ है, तो ये आपको पता है मिक्स एसिड क्या करता है, नाइट्रेटिंग एजेंट क्रिएट करता है, और ये नाइट्रेटिंग एजेंट जो है बेंजीन रिंग के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और ये नाइट्रोबेंजीन बना लिया, बनाया क्या। अब उसके बाद जो है देखिए CH3Cl और AlCl3 दिया हुआ है, ठीक है, CH3Cl और AlCl3 दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि ये क्या करता है, क्लोरीन जो है यहाँ से निकालेगा और CH3+ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है, और ये इसके मेटा पोजिशन पर जुड़ जाएगा। तो इसके मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो बच्चों ये देखिए NO2 है और यहाँ पर जो है CH3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब हम इसका KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो CH3 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि ये कंपाउंड जो है आप कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए बच्चों पहला नंबर है, पहला ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। ग्रिगनार्ड एक कार्बन आयन का सोर्स होता है, ये कार्बन आयन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो। तो देखिए क्या मिला, CH3 14 वाला जो है 14 वाला अटैक किया किसके ऊपर, CO वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर O माइनस खुल चुका है और ये देखिए सी डबल बॉन्ड O, और इसको बाद में प्रोटॉन दे देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हमें जो एसिड चाहिए उसमें देखिए यहाँ पर CO जो दिया हुआ है बच्चों वो 14 वाला होना चाहिए, इसका मतलब जिस पर अटैक होने वाला है वो 14 वाला होना चाहिए, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, कार्बन आयन इस वाले CO2 के कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा यहाँ से, फाइनली क्या हो जाएगा, तो CH3, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला बॉन्ड खुला हुआ है ओ माइनस, हाइड्रोजन दे देंगे तो OH जुड़ गया। समझ में आई बात, जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो 14 कार्बन था, तो इस तरह से देखिए एसिटिक एसिड मिल गया और यही चीज़ हमें चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 परकीन रिएक्शन। बच्चों परकीन रिएक्शन एक प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है, लेकिन इसमें बस खास बात यह है कि ये एक प्रकार से बेंजल डिहाइड और साथ ही साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच में होता है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के रूप के बीच में होता है। फिर उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का एसिटेट आयन, ठीक है, जब हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर एनायन बनेगा और एनायन बनने के बाद जो है इस वाले कार्बोनिल पर अटैक होता है। जब अटैक होगा बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा, pH, ये CH और ये O माइनस खुलेगा, बाद में ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये CH2 यहाँ पर जो बेस रहेगा वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3। अब उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले नंबर यहाँ से टूट कर ये COOH में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से OH
और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर डबल बोन बनेगा, ठीक है। अब देखिए COH जहाँ पर लगा हुआ है बच्चों वो अल्फा पोजिशन, और ये हो गया बीटा पोजिशन। बीटा पोजिशन पर देखिए क्या है, एक प्रकार से फिनाइल है तो एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ परकिन रिएक्शन जो होगा उसमें क्या मिलता है, तो उसमें मिलता है बीटा पोजिशन पर एक बेंजीन रिंग, मतलब बीटा एराइल और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब अल्फा बीटा के बीच में डबल बोन और एसिड। तो देखिए ये मिल गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये जो आप देख रहे हैं 104, ये भी एक परकिन रिएक्शन जैसा ही है। इसमें अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहला नंबर तो देखिए ये जो COO माइनस दिया हुआ, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ना गलत बनाया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर गलत है। CO केवल यहाँ CO ही होगा क्योंकि ये एनहाइड्राइड है ना। बेसिकली ये कुछ ऐसा है बच्चों, PHCH2 COO है ना, CO फिर CH2 और फिर PH, ऐसा है। अब देखिए जो यहाँ पर बेस लिया गया है, इसी का बेस लिया है। जब भी हम एनहाइड्राइड लेते हैं तो उसे एनहाइड्राइड का ही हम लोग बेस बनाते हैं। तो ये बेस क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, कार्बेनायन बनाएगा, और ये कार्बेनायन क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये खुलकर ओ माइनस बनाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए क्या होने वाला है, फाइनली जो है आपको इस तरह से एक बेंजीन रिंग से यहाँ पर NO2 ग्रुप, और NO2 से आपको कार्बन CH, और इधर हो गया OH, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जिससे अटैक हुआ है वो CH, फिर उससे जुड़ा हुआ है क्या, एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर COO और डैश डैश। फिर जब बाद में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, यहाँ से ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो देखिए ये अल्फा और ये बीटा पोजिशन, ठीक है, तो बीटा से OH डालेंगे तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो NO2 जिस रिंग में जुड़ा हुआ है उसके ठीक पैरा पोजिशन पर जो CH है डबल बोन, यहाँ पर जैसे देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में दिख रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी परकिन कंडेंसेशन पर ही बेस था, बस परकिन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एस्टिक एनहाइड्राइड और बेंजल डिहाइड लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया हुआ था। खैर अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 105, सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड क्या होता है, तो PHCH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर COOH, इसको हम लोग बोलते हैं सिनामिक एसिड। अब ये देखिए बच्चों अल्फ़ा है और ये देखिए बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, और बीटा पर क्या है, फिनाइल। ये देखिए बीटा पर फिनाइल एराइल जो भी बोलना है बोलिए, फिर अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, और फिर एसिड है। कहता है दिस एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द परकिन रिएक्शन। अभी देखिए हम लोगों ने तीन रिएक्शन जो भी देखे वो सारे के सारे परकिन पर ही बेस्ड थे, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजल डिहाइड और हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, और इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का हम लोग बेस भी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 में बेसिकली बच्चों हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द कंपाउंड विल नॉट गिव द बेंजोइक एसिड जब हम उसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए बच्चों जब भी बेंजीन रिंग दिया हुआ हो और उसके साथ यहाँ पर C और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में उसका ऑक्सीडेशन करने पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए CH है और CH के साथ ये कुछ भी जुड़ा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको COH में कन्वर्ट कर देना है, तो बोले तो बेंजोइक एसिड देगा। देखिए यहाँ पर CH दिया हुआ है और इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसको COH में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, जबकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है बेंजाइलिक कार्बन पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तीनों कन्वर्ट होंगे और ये नहीं हो पाएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर है।
ये क्यों नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा एसिड के रूप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, CO आप जानते ही हैं, रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, और साथ ही साथ इसको हीटिंग भी किया गया है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। तो कहता है क्या मिलेगा आपको, तो बच्चों सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनाता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है तो ये आपको बेसिकली एक प्रकार से सोडियम सॉल्ट देगा इस तरह से O माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, ये देखिए एमाइड दिया हुआ है और ये जो HNO2 है, ठीक है, ये जो HNO2 है बच्चों बेसिकली ये क्या करेगा, RCONH2 है, ठीक है। आप जानते हो कि ये HNO2 एक प्रकार से डाइजोटाइजेशन करता है, क्या करता है, डाइजोटाइजेशन करता है बच्चों, तो ये RCO और इसको N2+ में कन्वर्ट कर देगा, और ये आप जानते हो कि N2+ जो है डाइजो कंपाउंड जो है ये N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में रिलीज होने के लिए कहने का मतलब है कि तुरंत रिलीज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है, तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा कहने का मतलब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे बच्चों इसके ऊपर H2O का अटैक हम करवाएंगे, जैसे हम H2O का अटैक करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और फाइनली जो है आपको RCOH भी एज ए प्रोडक्ट में मिलेगा, समझ में आई बात। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि ये जो H2O का अटैक हुआ ये कैसे हुआ, बेसिकली ये जो HNO2 है बच्चों ये बनता है NaNO2 और प्लस का HCl, ठीक है, इससे बनता है। तो ये जो HNO2 है ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है, OH2+ बना लेता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि आयन अनस्टेबल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और ये देखिए नाइट्रोसोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोफाइल NH2 को क्या करता है, डाइजो में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको एज ए न्यूक्लोफाइल में H2O भी मिल गया, यही अटैक करता है इसके ऊपर। खैर क्वेश्चन नंबर 109 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड, अभी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देखिए बच्चों इस कार्बन को देखिए गौर से आप, इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं है, तो इसका हम लोग KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन मौजूद होता तो ऐसी स्थिति में यही आपको बेंजोइक एसिड दे देता। चलिए इससे देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम ईथर, इसका मतलब ये बनाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या बनाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मतलब ये हो गया कि PH- बनाएगा ये। अब ये PH- बच्चों ये क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये कार्बन आयन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए ये PH ये बन गया इधर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ओ माइनस, और ये बाद में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये देखिए आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिल गया, ठीक है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए NaCN है तो ये CN- का अटैक हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं करा सकते, वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सवाल उठता है क्यों, क्योंकि ब्रोमीन पर जो लोन पेयर मौजूद है ये लोन पेयर क्या करेगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब CN- का अटैक नहीं होगा यहाँ पर, SN2 अटैक नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, समझ गए बात को। और ये जो ओजोनोलाइसिस है, ये ओजोनोलाइसिस तो बच्चों अगर हम इसका करेंगे तो ये पूरा रिंग ही टूट जाएगा, ठीक है, तो इससे आपको बेंजोइक एसिड तो कभी भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में हमसे बोला गया है कि विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन विल नॉट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। देखिए अभी मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग के ठीक बगल वाला कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन मौजूद है और फिर उसके पास कुछ भी मौजूद है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लोग ले लिए KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है,
एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको बेंजोइक एसिड देगा। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, अगर आप गौर से, तो बेंजीन रिंग से ठीक लगा हुआ जो कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं इसको, इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड देगा। ये जो दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पर बेंजीन के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाई प्रेशर, इससे आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिल पाएगा। तो हमसे बोलता है कौन सा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो यही नहीं करेगा। अब जैसे इसमें देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया हुआ है I2 और OH-, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडो फॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आयोडो फॉर्म या हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये रिंग टूटेगा और ये फाइनली PHCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर वाला पार्ट जो है ये CH3 आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये भी आपको बेंजोइक एसिड देगा। तो ए बी और डी बेंजोइक एसिड देंगे आपको, और सी से आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। कहता है व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको इसे ये बनाना है तो बताइए किससे बनेगा। देखिए सबसे पहले हमें तो बच्चों जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम सोचते हैं। यहाँ पर देखिए COH दिया हुआ है, ठीक है, कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4, और तीसरे कार्बन पर बच्चों मिथाइल है, तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल टाइप का सिस्टम देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, इसमें नहीं है, पहले वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप जानते हो कि क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन किसका करता है? एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इस कार्बन पर है, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन का रिडक्शन करके ये अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, इन दोनों में से ही कोई एक होने वाला है। अब क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आपको इसको हटाना है और यहाँ पर लगा देना है CH2OH, मतलब इसका रिडक्शन होकर ये बनेगा। PBr3 क्या करता है? PBr3 बच्चों यहाँ से ये OH को हटाना है और यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ देना है, ठीक है, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट बनाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो Mg और इथर लिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्रिगनार्ड रिएजन बनाएगा, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर MgBr कर देना और यहाँ पर CH2- बना दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 1, 2, 3, 4 है ना, 4 कार्बन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये जो कार्बन आयन है ये देखिए किसके ऊपर अटैक करेगा, ये CO2 के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही आप CO2 के ऊपर अटैक करवाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो कहने का ये फाइनली COH में कन्वर्ट होगा। इधर देखिए O- के रूप में खुलेगा और ये O- हाइड्रोजन को पकड़ के COH में कन्वर्ट होगा और कुल मिलाकर 5 कार्बन हो जाएंगे, और 5 कार्बन तो देखिए यहाँ पर है ही नहीं, समझ में आई बात। और वैसे भी देखिए यहाँ पर तीसरे वाले कार्बन पर बच्चों ब्रोमीन ग्रुप दिया हुआ है, तो ऐसा तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा, तो अब होगा कौन? डी होगा। कैसे? सबसे पहला नंबर तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। फिर ये CH2OH जो है ये किस में होगा कन्वर्ट, ये Br में कन्वर्ट होगा। फिर ये Br किस में कन्वर्ट होगा, MgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बनाएगा कार्बन आयन और यही कार्बन आयन अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। और फाइनली गौर से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको CH2 दिख रहा है और इससे आपको जोड़ देना है COH और यहाँ पर रहा मिथाइल, तो 1, 2, 3, 4 है ना, तो 4 कार्बन का चैन मिल गया, तीसरे पर मिथाइल भी मिल गया और इस प्रकार से आपको जो है फाइनली वो प्रोडक्ट मिल गया जो आपको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि द कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर जब भी इस तरह से यहाँ पर इथाइल दिया हुआ है तो CH2CH3 है। इस पहले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब इस बेंजाइलिक कार्बन के पास बच्चों अगर कम से कम एक हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो वैसी स्थिति में इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये पूरा यहाँ पर इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब को COH में कन्वर्ट कर देता है, तो फाइनली आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिल जाएगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब यह होता है कि जो आसानी से H प्लस दे दे, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो H प्लस दे, अब सोचिए अगर ये H प्लस दे रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर एनायन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला एनायन है एक अच्छा एसिड वही माना जाएगा, है ना, एक अच्छा एसिड वही माना जाएगा जो आसानी से H प्लस दे, पहला नंबर। और अगर वो आसानी से H प्लस दे रहा है तो इसका मतलब H प्लस देने के बाद एनायन बन रहा होगा, तो जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखिए तो यहाँ पर बच्चों पाँच पाँच Cl ग्रुप लग रहे हैं और ये पाँचों के पाँचों क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो इसमें पाँच माइनस आई इफेक्ट, इसमें एक ही माइनस आई इफेक्ट, इसमें दो माइनस आई इफेक्ट। तो चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको इसी में देखने को मिलेगी, और इसी में देखने को मिलेगी तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा एसिड, सबसे स्ट्रांग एसिड ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 में बच्चों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द NaHCO3। बच्चों NaHCO3 का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये देखिए बाइकार्बोनेट आयन हो गया। अब बेसिकली क्या है कि ये जो बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ पर देखिए जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं इन सब कंपाउंड से ये हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन लेकर H2CO3 बनाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है ये कि H2CO3 ये तभी बनाएगा, है ना, H2CO3 तभी बनाएगा जब इसको कोई हाइड्रोजन देगा, समझ में आई बात। देखिए क्या होने वाला है बच्चों, आप जानते हो कि हर हमेशा कोई भी रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड के तरफ फॉरवर्ड करता है। रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो H2CO3 है इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। बच्चों ये जो फिनोल है और फिनोल पर एक NO2, फिनोल पर यदि कम से कम दो NO2 या तीन NO2 ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको आपको ध्यान भी रखना है, तो वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसी स्थिति में ये भी फिनॉल भी क्या करता है, हाइड्रोजन देने की क्षमता रखता है, तो ये दोनों नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो बेंजोइक एसिड है और ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये दोनों का दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 से। इसका मतलब ये भी H प्लस दे सकता है और ये भी H प्लस दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला है बच्चों मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव का मतलब यह है कि इन दोनों में से अब स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। क्यों है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जब ये H प्लस देगा बच्चों तो ये एनायन बनेगा और एनायन में इसका देखिए 3 equal RS मिलने वाला है। रेजोनेंस जब होगा तो 3 equal RS मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 equal RS देखने को मिलेगा। और चूंकि ये इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो सबसे अच्छा एसिड भी यही होगा और सबसे जल्दी हाइड्रोजन H प्लस भी यही देगा और सबसे फास्टली, चूंकि H प्लस यही दे रहा है तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके H2CO3 में कन्वर्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में बच्चों मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, वो भी एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए Me- जो है ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन आयन है। तो सबसे पहला नंबर कार्बन आयन क्या करेगा बच्चों, यहाँ से देखिए इस एसिड के H प्लस को निकालेगा और एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर बनेगा मीथेन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। फिर एक्सेस अमाउंट में ही ये, तो ये जो Me- है ये क्या करेगा, अब इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ से ये खुलेगा O- के रूप में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहीं पर आपको एक मिथाइल जोड़ देना है और यहीं पर आपको एक OH लगा देना है और बाद में ये जो O- है सिस्टम से वाटर से प्रोटॉन लेकर ये क्या करेगा, COH के रूप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 देगा अपॉन हीटिंग एट। देखिए बच्चों, हीटिंग वाला रिएक्शन अक्सर आपके सामने आता है, इसमें जो है आपको एक बात ध्यान रखना है, बीटा कीटो एसिड जनरली या एसिड आपके सामने आएगा, ठीक है। तो बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या हो गया, ये देखिए COH है, ये CH2 है, COH जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा कार्बन, उसके ठीक बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उसके बाद इधर कुछ भी आप लगाइए। अगर ऐसी इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी आपको देखने को मिल जाए और इसका आप हीटिंग करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 निकलेगा, CO2 को निकालना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर चिपका देना है, और ये CH2 से CH3 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि COH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो अल्फा, और उसके ठीक बगल वाला बीटा, तो देखिए आपको बीटा कीटो एसिड दिख रहा है क्या, तो जब आप इसका हीटिंग करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकलेगा यहाँ से, और ये हाइड्रोजन को यहाँ पर हम चिपका देंगे, और इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन, यहीं पर हाइड्रोजन चिपक जाएगा, यहाँ से इसको हटा देना है, मतलब ये आपको CO2 देगा, तो आंसर तो मिल गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बीटा कीटो एसिड के रूप में नहीं है, ये दोनों तो देखिए सेम टू सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी बीटा कीटो एसिड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कीटोन, और यहाँ पर क्या है कीटोन, दोनों कीटोन है, नहीं होगा, यहाँ देखिए कीटोन गड़बड़, यहाँ देखिए बच्चों कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, और ये देखिए बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है क्या, तो जैसे बीटा कीटो एसिड को हम हीट करेंगे तो फटाक से यहाँ से क्या होगा CO2 निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पर चिपका देंगे, और ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें देखिए क्या गड़बड़ है, इसमें देखिए बच्चों ये अल्फा, ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको केवल ऑप्शन नंबर सी से ही CO2 गैस मिलेगा अगर आप इसको हीट करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में फिर से हीटिंग किया गया, तो अब देखिए यहाँ पर COH है, COH जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, ये देखिए बीटा, COH जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, ये बीटा, इसका मतलब इस COH के लिए भी ये बीटा कीटो है, और इस COH के लिए भी बीटा कीटो है, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से भी CO2 निकाल देना है, और यहाँ से भी CO2 निकाल देना है, और यहाँ से CO2 निकाल के हाइड्रोजन, और यहाँ से CO2 निकाल के हाइड्रोजन कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वाले, और ये वाला देखिए, ये देखिए बच्चों अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इस वाले COH के लिए गामा पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट से CO2 नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब 13 तीसरे पोजिशन पर कीटो और पहले पोजीशन पर COH लगा हुआ प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रोडक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 119 के बारे में, फिर से वही हीट किया गया। देखिए बच्चों, जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, ये देखिए बीटा, ठीक है, तो जैसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलने का मतलब ये कार्बन यहाँ से गायब हो गया, काट के हटा दीजिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है बच्चों, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 एक फोर, और ऐसे कर दीजिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ बच्चों 1 2 3, यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड हो, ये हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो बच्चों यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये कीटोन है, और यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, तो तीसरे नंबर पर क्या है मिथाइल, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120, अब देखिए हीटिंग का दूसरा फंडा बताता हूँ, CH2 और यहाँ पर दिया हुआ रहे COH, और यहाँ पर दिया हुआ रहे COH, इसको बोलते हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैम इसलिए बोलते हैं जब एक ही कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप आते हैं,
ठीक है, जैसे दो क्लोरीन आ गया तो जैम डाइक्लोराइड, दो OH आ गया तो जैम डाइओल, तो यहाँ पर ये हो गया जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वैसी स्थिति में, और यहाँ पर R के जगह पर कुछ भी आप लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी स्थिति आ जाए और यहाँ पर इसका हीटिंग किया जाए तो भी वैसी स्थिति में यहाँ से क्या होता है बच्चों, CO2 निकल जाता है, यहाँ से CO2 को निकाल लिया, हाइड्रोजन को यहीं पर लाकर चिपका दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से CO2 को निकालिए और हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दीजिए, तो जैसे ही लगाएंगे तो बताइए क्या मिलेगा, इस तरह से ये बन गया CH2 और ये बन गया COOH। अब बताइए, कहता है टोलुइन, गलत, ये क्या कहता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक कैसे बन जाएगा, ये बेंजीन ही नहीं तो बेंजोइक कैसे बनेगा, ये धोखा देने वाला है। फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनाइल भी नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन होता तभी तो फिनाइल बोलते, तो ये भी गलत, तो ले देखिए यही सही, क्यों, साइक्लोहेक्साइल, इसको साइक्लोहेक्साइल बोला और इसको बोला एसिटिक एसिड, तो ये भी बात सही है, समझ में आई बात, तो ये एसिटिक एसिड, ये साइक्लोहेक्साइल, तो यही वाला प्रोडक्ट हमारा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन 120 तक ही करेंगे, 120 के आगे का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।